हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और आज हम आ गए हैं नया सम लेके, जिसमें हमें प्रिंट करना है रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद, कोई भी नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसका प्रोग्राम लिखना है मुझे। ठीक है, कोई भी नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर जो बचता है वो हम मॉडुलस से निकालते हैं। मॉडुलस का सिंबल क्या होता है? ऐसा होता है। ठीक है, तो ये मॉड इसको मॉड बोलते हैं। तो अभी कोई भी नंबर है, समझ लो मेरा 10 है, तो 10 मॉड अगर मैं 2 करूँ, 10 मॉड 2 क्या होगा? इसको डिवाइड करूँगा, 2 5 10 होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा, तो ऐसा आता है रिमाइंडर। ठीक है, तो अभी 9/2 कर रहा होगा, 9 mod 2 कर रहा हूँ मैं, तो इसमें 2 4 8 होता है, तो 8 में 1 बच रहा है, इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका? 1 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्या है? प्रिंट द रिमाइंडर ऑफ नंबर एन आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 एंड 3। 2 से डिवाइड करना है और 3 से डिवाइड करना है, फिर उसके बाद जो भी एन का रिमाइंडर होगा वो मुझे प्रिंट करना है। कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ये लाइन लिखना पड़ता है, हैज़ इंक्लूड str.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, फिर void main। मेन फंक्शन से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, तो मुझे अभी रिमाइंडर स्टोर करना है, किसका? 2 से डिवाइड करने के बाद और 3 से डिवाइड करने के बाद। तो रिमाइंडर स्टोर कहाँ करना पड़ेगा? एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो मुझे वेरिएबल कितने लगने वाले? एक सबसे पहले तो n लगेगा मुझे, जिसको डिवाइड करना है। ठीक है, कॉमा, मैं इन टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ, और डिवाइड करने के बाद, 2 से डिवाइड करने के बाद नंबर में स्टोर करता हूँ, रिमाइंडर वन में स्टोर करता हूँ। सेकेंड, 3 से डिवाइड करने के बाद दो नंबर को मैं रिमाइंडर 2 में स्टोर करता हूँ। मैंने वेरिएबल यहाँ पे 3 ले लिए, एक वेरिएबल n, एक रिमाइंडर 1, एक रिमाइंडर 2। ठीक है, फिर उसके बाद clr, क्लियर स्क्रीन करने के लिए, नहीं लिखोगे तो भी चलता है। ठीक है, अभी सबसे पहले मुझे प्रिंट लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ डबल इनोटेड इंटर नंबर सेमी कोलन क्लोज डबल इनोटेड में। फिर उसके बाद इसमें मुझे इनपुट चाहिए, तो उसके लिए स्कैन एफ यूज़ करते हैं, स्कैन एफ डबल इनोटेड परसेंटेज डी डबल इनोटेड कॉमा एंड एन एम्बसन एन बोलते हैं इसको। इसमें मेरा इनपुट चला जाएगा एन में, जो भी मैं नंबर डालूंगा। ठीक है, समझ लो मैंने एन की जगह पे मैंने 10 डाल दिया, समझ लो सेम एग्जांपल, इसको हटा दो साइड में, तो n का वैल्यू मैंने अगर 10 ले लिया तो इसमें n में 10 चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मुझे लॉजिक लिखना पड़ता है, लॉजिक मतलब जो भी फॉर्मूला है, जो भी लॉजिक आपका लगाना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, n में जो भी है उसको डिवाइड बाय 2 करना है, मॉड 2, क्योंकि रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं स्टोर कर देता हूँ रिमाइंडर 1 में, 1 में रिमाइंडर में स्टोर कर दिया सेमी कॉलन। ठीक है, फिर उसको क्या कर रहा हूँ मैं, अभी n को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, फिर उसका रिमाइंडर में स्टोर करता हूँ रिमाइंडर 2 में। ठीक है, रिमाइंडर 1 में आ जाएगा कितना, अभी 10 मॉड 2 किया तो मैंने कितना आएगा, 10 मॉड 2 2 5 10 होता है, तो 0 रिमाइंडर बच रहा है इसमें। और फिर 10 मॉड 3 अगर होगा तो कितना आएगा, 3 3 9 1 बच रहा है रिमाइंडर, तो इसमें 1 आएगा, इसमें 0 आएगा। इसको मेरे को अभी प्रिंट करके दिखाना है। ठीक है, आउटपुट के लिए क्या करना पड़ता है, प्रिंट एफ डबल इनवर्टेड परसेंटेज डी 2, क्योंकि रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 दोनों प्रिंट करना है। ठीक है, रिमाइंडर 1 प्रिंट कर दिया कॉमा रिमाइंडर 2 प्रिंट कर दिया, फिर क्लोज कर दिया। इसमें एम्बसन नहीं लिखा क्योंकि इनपुट नहीं ले रहा हूँ, आउटपुट के टाइम डायरेक्ट रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। और एक किस टाइप का है, परसेंटेज डी टाइप का है, और ये परसेंटेज डी टाइप का है, मतलब इंटीजर टाइप का है दोनों। तो ये प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा और रिमाइंडर 2 में 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 0 और 1 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में गेट सी एच होल्ड करने के लिए, गेट सी एच फिर क्लोज ये वाला ब्रैकेट। तो ये था हमारा रिमाइंडर का प्रोग्राम, रिमाइंडर निकालने का। कोई भी नंबर को डिवाइड करना है उसके लिए मॉड यूज़ करना पड़ता है रिमाइंडर निकालने के लिए। तो इससे मैंने प्रिंट किया रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।